नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आए तो हमारे पास क्या क्या अधिकार होते हैं, उन सब चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके आसपास ज़्यादातर रिपीट होता रहता है और इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। पहले दोस्तों समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि क्या पुलिस ऐसे ही गिरफ्तार कर लेती है, कोई ऑर्डर, कोई वारंट ऑर्डर, इस सब की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। तो आपको बता दें कि पुलिस बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं यानी जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है, अनलकीली पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, तो आपके पास ये राइट बनता है कि आप उनसे अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हैं। ये आप फोर्सफुली भी पूछ सकते हैं, ये आपका राइट होता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपको आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसका आपको पता होना चाहिए उस केस के बारे में कि किस लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के कारण बताने से संबंधित कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी है, जिनमें से एक है डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल। इसमें भी, इस केस में भी गिरफ्तारी के कारण बताने पर ही चर्चा हुई है। दूसरा एक ये मामला भी है जो गिरफ्तारी के कारण बताने से संबंधित है, ये भी एक बहुत फेमस जजमेंट है, जिसमें रीनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और इस केस में तो गिरफ्तारी का कारण पुलिस के द्वारा नहीं बताया गया था, तो इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है उसको 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगा था, जो कंपनसेशन उसे देना पड़ा। एक इम्पॉर्टेंट अधिकार आपको दिया गया है कि अपने वकील से आप बात कर सकते हैं, जो CRPC के 41D में आपका पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। बहुत सारी मूवी आप देखते होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि बहुत बार उसमें कहा जाता है कि मैं अपने वकील के सामने ये बताऊंगा, तो वकील से बात करने का अधिकार भी आपका राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करेगी तो आपका अरेस्ट मीमो जरूर देगी, जो CRPC के 51 में पूरी तरह से एक्सप्लेन है। अरेस्ट मीमो में जहाँ जिस भी जगह से वो गिरफ्तार करेगी उसे वो वहीं पे भरना पड़ता है। इसमें एक पब्लिक का कोई गवाह भी उसके सिग्नेचर होते हैं। दूसरा आपके पास जो जो सामान होता है, क्योंकि आमतौर पर आप देख रहे होंगे कि पर्स, मोबाइल फ़ोन, ये सब तो लेके इंसान चलता ही है, तो पुलिस बाद में इसे देती नहीं है, तो अरेस्ट मीमो की आप डिमांड कर सकते हैं। और अरेस्ट मीमो तो आप ज़रूर लें, क्योंकि पुलिस बाद में अब आपका सामान आपको वापस नहीं देती, इसके द्वारा आपको आपका सामान मिल जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपकी गिरफ्तारी कहीं आउट ऑफ स्टेशन से हो रही है तो पुलिस वालों का ये दायित्व बनता है कि वो आपके परिवार को सूचना दे, और ये उनका दायित्व नहीं बनता, ये आपका अधिकार भी है, आप खुद भी इंसिस्ट कर सकते हैं। और पुलिस को बाउंड किया गया है CRPC 41B में कि वो 24 घंटे के अंतराल में आपके पेरेंट्स को या आपके जो भी गार्जियंस हैं उनको आपके आपकी गिरफ्तारी की सूचना दें, ताकि वो आगे की प्रोसीडिंग्स को कर सकें। नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपका मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल कराने का अधिकार आपको होता है, CRPC 53A में ये अधिकार आपको दिया गया है। तो जब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपका 110% श्योर है कि आपका मेडिकल पुलिस को करवाना ही होगा, और अगर नहीं करवाया जाता है तो आप इसकी डिमांड कर सकते हैं मजिस्ट्रेट से। नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विद इन 24 घंटों के अंदर अंदर आपको न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा, ये CRPC 57 में एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा नहीं कि पुलिस आपको 2-3 दिन तक रखेगी फिर पेश करेगी, ये उनका उनके ऊपर फोर्सफुली होता है कि आपको विद इन 24 आवर उनको पेश करना ही करना पड़ेगा, ये भी आपका राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है यानी आप नाबालिग हैं, तो आपके साथ पुलिस दुर्व्यवहार नहीं कर सकती, आपके साथ मारना पीटना भी नहीं हो सकता, आपकी पिटाई भी नहीं कर सकती है। लेकिन जनरल वे में अगर बात करें तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि वो आम जनता को के साथ दुर्व्यवहार करे या उसकी पिटाई करे। थोड़े से राइट्स उसे दिए गए हैं लेकिन इतना नहीं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसकी ज़रूर शिकायत करें। नेक्स्ट है दोस्तों, मैं अगर मेडिकल आपका नहीं हुआ है तो आप सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष जब पेश होते हैं तो उन्हें बता सकते हैं, जो आपको CRPC 54 में एक्सप्लेन किया गया है।
नेक्स्ट जो राइट है ये महिलाओं के लिए है, लेडीज़ गर्ल्स या महिलाओं, तो इनको अगर ये कोई क्राइम कर देती हैं तो इनको जो गिरफ्तार करेगी वो एक महिला कॉन्स्टेबल ही करेगी। कोई कितना बड़ा भी पुलिस अधिकारी आ जाए जो मेल हो, वो किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसे महिला ही गिरफ्तार कर सकती है। ये राइट महिलाओं को दिए गए हैं। महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए कि महिला की जो गिरफ्तारी है वो किसी महिला कांस्टेबल से तो होगी ही, लेकिन वो दिन के समय में होगी, यानी सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले। लेकिन जब तक मजिस्ट्रेट कोई विशेष आदेश न देते तब तक इनका जो गिरफ्तारी है वो सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले ही होगी। दोस्तों अगर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग होने पर इसकी शिकायत ज़रूर करें, चुप ना बैठें। बहुत बार आप चुप बैठ जाते हैं तो पुलिस वालों के हौसले बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं, थाने पे जाके पिटाई करते हैं। देखिए उनको पकड़ने का राइट है, पीटने का कोई राइट नहीं है। अगर ऐसा है तो आप मेडिकल की डिमांड करें और इनके अगेंस्ट शिकायत करें।